सीरिया पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के सामूहिक हमले के बाद पूरा विश्व दो भागों में बट गया है। एक धड़े का नेतृत्व जहां अमेरिका कर रहा है, वहीं दूसरे धड़े का रूस। अमेरिका के समर्थन में तुर्की, इजराइल जैसे देश खड़े हैं, तो वहीं ईरान और अल्जीरिया ने अमेरिकी हमले की निंदा की है। खास बात यह है कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के सामूहिक हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में रूस का निंदा प्रस्ताव गिर गया है। रूस को जरूरी 9 सदस्यों का भी समर्थन नहीं मिला। विश्व मंच पर लगातार हो रही रूस की बेइज्जती से इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं रूस बदले की कार्रवाई में कोई बड़ा कदम न उठा ले। इस बात की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि रूस के सरकारी टीवी ने दर्शकों से तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। एक रूसी विशेषज्ञ अलेक्जेंडर गोल्ड्स ने कहा है कि एक साल पहले मैंने कहा था कि हम नए शीत युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मुझसे सहमत नहीं था। अब हर कोई सहमत है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि दूसरे विश्व युद्ध में हालात तेजी से बदल रहे थे। इसकी भी अभी बस शुरुआत भर हुई है। दूसरी ओर अमेरिका में रूस के इस आकलन का जमकर मजाक बनाया जा रहा है।